नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। रविवार को प्रांगण रंगमंच में विश्व संगीत दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित कर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन अवधि में अपनी जान की परवाह किए बगैर जरूरतमंद की मदद एवं सेवा करने वाले लोगों को कोरोना योद्धा सम्मान स्वरूप सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजय परमार ने आए हुए सभी कोरोना योद्धातियों का स्वागत करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। मौके पर उपस्थित संस्था के मुख्य संरक्षक डॉक्टर प्रदीप कुमार झा ने सभी कोरोना योद्धाओं को इस आपदा में भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने हेतु श्रेष्ठ बताते हुए सर्टिफिकेट प्रदान किए। इस दौरान कार्यक्रम में आए हुए कोरोना योद्धा मोहम्मद मिराज आलम, प्रदीप कुमार यादव, सौरभ यादव, अभिषेक राज, राणा रणवीर कुमार, विवेश कुमार, विकास कुमार, श्रीकांत कुमार, रोहित कुमार ने समाज सेवा से प्राप्त अनुभवों को सभी के बीच साझा किया। संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कुमार केसरी, सचिव अमित आनंद, मीडिया प्रभारी गरिमा उर्विशा, संयुक्त सचिव शिवानी अग्रवाल, सदस्य शिवांगी गुप्ता, लीजा मान्या, नीरज कुमार निर्जल, अक्षय कुमार सोनू ने भी समाज सेवा के प्रति अपने वक्तव्य रखे। कार्यक्रम के प्रायोजक के रूप में शहर की सोनी पुस्तक भंडार के प्रोप्राइटर एवं संस्था के कार्यकारी सदस्य कुंदन कुमार ने अग्रणी भूमिका निभाई। खास बात यह है कि प्रांगण रंगमंच की तमाम गतिविधियों से प्रेरित होकर राणा रणवीर कुमार ने उक्त अवसर पर प्रांगण रंगमंच की सदस्यता ग्रहण की एवं अध्यक्ष ने यह घोषणा की कि इस सत्र के पूरा होने के बाद जब कमेटी का विस्तार किया जाएगा तो उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। इस मौके पर संस्था के संयुक्त सचिव आशीष कुमार सत्यार्थी, सोशल मीडिया प्रभारी बबलू कुमार, सदस्य भूषण कुमार ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम प्रभारी गायक सुनीता साना ने किया। मधेपुरा से रामानंद कुमार की रिपोर्ट।